डेली टॉपिक वाइज राजस्थान जीके में आज बात करूंगा पार्ट फोर्थ की, जिसमें टॉपिक आपका है राजस्थान के मेले और त्यौहार। ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रीट मेंस एग्जाम हो, सीईटी 12th लेवल का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का भी एग्जाम है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके राजस्थान की अलग अलग भर्तियों में पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि राजस्थान के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आज चौथा पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपको डेली टॉपिक वाइज राजस्थान जी के देखने को मिलेगी। तो राजस्थान के मेले और त्यौहार में पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है, और आपको बता दिया जाता है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव आपके जनवरी फरवरी मंथ में मनाया जाता है। खासकर सुमेलित कीजिए में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, कि एक साइड महोत्सव एक साइड जिलों के नाम दे दे, जिसमें थार महोत्सव, मरु महोत्सव और भी हाथी महोत्सव, इस तरह से महोत्सव के नाम, और एक साइड आपको जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर कुछ भी देखने को मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेजाजी का मेला आपके नागौर के पर्वत सर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट आपके माही नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? माही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बादशाह का मेला आपके ब्यावर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कब लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और आपको बता दिया जाता है कि मेरवाड़ा का कुंभ मेला भी कहा जाता है पुष्कर मेला को। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मेरवाड़ा का कुंभ मेला किसे कहते हैं, और आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का दूसरा कुंभ मेला किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासियों का दूसरा कुंभ मेला कहते हैं गोटिया अंबा का मेला। अब प्रथम कुंभ मेला किसे कहते हैं इसकी भी जानकारी आगे बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दिया जाता है कि गोटिया अंबा का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लगता है। गोटिया अंबा का मेला कब लगता है? तो ये आपके चैत्र अमावस्या को भरता है। कोई भी मेला कहाँ पर और कब लगता है, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। आदिवासियों का प्रथम कुंभ मेले की बात करें तो आदिवासियों का प्रथम कुंभ मेला बेणेश्वर मेला को कहते हैं, द्वितीय कुंभ मेला गोटी अंबा को मेला के कहते हैं। गोटी अंबा का मेला बांसवाड़ा में लगता है, और बेणेश्वर मेला आपके कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में लगता है। और ये मेला कब लगता है? तो बेणेश्वर मेला आपके माघ पूर्णिमा में लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोगा जी का मेला हनुमानगढ़ के नोहर में लगता है। और कब लगता है? तो गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा नवमी जो कहते हैं, तो नवमी का नवमी याद रह जाएगा, और भाद्रपद कृष्ण में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू महाराज का मेला कब लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबू महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और ये कहाँ लगता है? तो बाबू महाराज का मेला आपके धौलपुर में लगता है। कहां पर? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी का मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केला देवी का मेला करौली में लगता है। और केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का मेला आपके चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है, करौली में लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इसी तरह आपको डेली टॉपिक वाइज राजस्थान जी के देखने को मिलेगी, जिसमें आज का टॉपिक आपका राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, थौलागढ़ देवी का मेला किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, थौलागढ़ देवी का मेला आपके अलवर जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रभागा मेला आपके झालावाड़ जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाणगंगा का मेला आपके जयपुर में लगता है। किस जिले में लगता है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर महोत्सव नाम से स्पष्ट है तो अलवर ही होगा, लेकिन ये कब किया जाता है?
तो अलवर महोत्सव का आयोजन आपके फरवरी माह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में तीज की सवारी श्रावण मास में निकाली जाती है। किसमें? श्रावण मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रतहरि का मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रतहरि का मेला आपके अलवर जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में शीतकालीन उत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। और किस महीने में लगता है? तो ये आपके दिसंबर मंथ में लगता है। और बात करें ये शीतकालीन उत्सव था, ग्रीष्म महोत्सव की बात करें तो वो आपके माउंट आबू और जयपुर दोनों जगह लगता है। और किस मंथ में? तो ग्रीष्म महीनों में, मतलब जून माह में आपके लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पतंग उत्सव मकर संक्रांति में मनाई जाती है, जो कि आपके 14 जनवरी को होता है। तो महीना पूछा है, आपका आंसर हो जाएगा जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जाति का कुंभ मेला किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहरिया जाति का कुंभ मेला आपके सीताबाड़ी के मेले को कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 12 जिले में लगता है। कहाँ लगता है? 12 में लगता है। और हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, ये भी देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, जिसे सहरिया जाति का कुंभ मेला भी कहते हैं और ये 12 में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जिलों में होली के रंग, अब होली के अलग अलग नाम अलग अलग जिलों में हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लठमार होली कहाँ कहा जाता है? तो लठमार होली आपके करौली में कहा जाता है। पत्थरमार होली खेली जाती है बाड़मेर में। कोड़ामार होली खेली जाती है अजमेर में। अंगारों की होली खेली जाती है अजमेर में। गोबर के कंठों से भी होली खेली जाती है डूंगरपुर में। और पत्थरों से होली, पत्थरमार होली बाड़मेर में भी है और पत्थरों से खेली गई होली डूंगरपुर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जांगल प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? उसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर पूछा गया जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपिल मुनि का मेला जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और कपिल मुनि का मेला कब लगता है? तो क से कार्तिक, क से कपिल, आप याद कर सकते हो, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कपिल मुनि का मेला। और ये कहाँ पर लगता है? तो ये आपके कोलायत बीकानेर जिले में लगता है। किस जिले में लगता है? बीकानेर जिले में कपिल मुनि का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाड़ के मेले का आयोजन, स से शिवाड़, स से सवाई माधोपुर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में होता है। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि शिवाड़ का मेला किस भगवान को समर्पित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान शिव को समर्पित मेला है। तो या तो सीधा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भगवान शिव को समर्पित निम्नलिखित में से कौन सा मेला है, तो आपको पता होना चाहिए शिवाड़ का मेला। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कल्याण जी का मेला आपके टोंक में लगता है। टोंक में किस जगह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिग्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट महोत्सव आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनवरी माह में बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाथी महोत्सव का आयोजन आपके जयपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में त्योहारों का आगमन आपके श्रावण तीज से मनाया जाता है। और समापन की बात पूछे तो राजस्थान में त्योहारों का समापन आपके गणगौर त्यौहार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो इतनी देर आपके मेले की बात चल रही थी, अब त्यौहारों से क्वेश्चन आए, तो मुसलमानों को किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुसलमानों के मुहर्रम त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। और हिजरी सन का पहला महीना भी आपका मुहर्रम है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो मुहर्रम है। और इसी दिन मुसलमानों के मुहर्रम के त्यौहार के दिन ही ताजिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेवलों की पूजा, न से नेवला, न से नवमी, याद रख सकते हो। और नीडरी नवमी में नेवलों की पूजा की जाती है, जिसे हम श्रावण नवमी भी
कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्युषण पर्व आपके जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा पक्ष कब मनाया जाता है और इसके मनाने का उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दिया जाता है सबसे पहले इसका उद्देश्य, तो इसमें पूर्वजों की पूजा की जाती है, यानी श्रद्धा पक्ष में क्या किया जाता है, पूर्वजों की पूजा की जाती है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये आपके भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और डेली आपको शाम को 7 बजे इसी तरह टॉपिक वाइज राजस्थान जी की देखने को मिलेगी, चाहे वो आपका CET 12th लेवल एग्जाम हो, चाहे रीट मेंस एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांझी पूजन आपके कुंवारी कन्याओं के लिए लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी तीज का त्यौहार आपके जयपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ध्यान रखना कजली तीज और छोटी तीज दोनों अलग है। छोटी तीज का त्यौहार जयपुर में मनाया जाता है और कजली तीज का त्यौहार आपके बूंदी में मनाया जाता है। छोटी तीज आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, लेकिन कजली तीज आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ये ध्यान रखना, आप कन्फ्यूज ना हो, छोटी तीज और कजली तीज दोनों अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी गणगौर राजस्थान के किस जिले में मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी गणगौर राजस्थान के नाथद्वारा में मनाई जाती है। और पूछ लिया जाता है कि गुलाबी गणगौर कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाया जाता है। कहाँ पर? नाथद्वारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी CET में भी पूछा गया था, सुमिलित करने में था कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित है जिसमें आपके गुड़ला त्यौहार के आगे चैत्र कृष्ण अष्टमी न देकर कोई और तिथि दी गई थी, और वही आपका राइट आंसर था असुमिलित में। तो आपका राजस्थान में गुड़ला त्यौहार है, ये कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होली के 8वें दिन बाद मनाया जाता है, यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाने वाला त्यौहार है गुड़ला त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज़्यादा आयोजित होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, यानी कि यह एक से अधिक बार आयोजित होते हैं? तो आपको बता दिया जाता है विरात्रा माता का मेला, जो कि कहाँ लगता है? बाड़मेर में लगता है। ये वर्ष में एक से ज़्यादा बार लगता है। कब कब? चैत्र भाद्रपद और माघ शुक्ल चौदस को ये लगता है। कौन सा? विरात्रा माता का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता का मेला, तो करणी माता का मेला आपके बीकानेर में लगता है, और ये कब लगता है? ये साल में 2 बार लगता है, चैत्र और आश्विन में। नेक्स्ट है जिण माता का मेला, जिण माता का मेला आपके सीकर में लगता है, कब कब? चैत्र और आश्विन में। नेक्स्ट है शाकंभरी माता का मेला, तो शाकंभरी माता का मेला भी आपके सांबर में लगता है। कहाँ पर? शाकंभरी से सांबर याद रह सकता है, और ये भी आपके चैत्र और आश्विन में लगता है, यानी कि वर्ष में 2 बार लगते हैं। दधिमती माता का मेला, दधिमती माता का मेला आपके नागौर जिले में लगता है चैत्र और आश्विन में, यानी ये सभी मेले आपके वर्ष में एक से अधिक बार लगते हैं। तो आपको पता होने चाहिए वो कौन कौन से मेले, करणी, जिण, शाकंभरी, दधी माता और विरात्रा माता का मेला, जो कि वर्ष में एक से अधिक बार लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर के त्यौहारों के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर का त्यौहार ईसाई इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ईसा है वो पुनर्जीवित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा पर्व पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दशहरा पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूलडोल उत्सव आपके फीलवाड़ा में मनाया जाता है। और किस पंथ द्वारा? तो पंथ भी पूछ लिया जाता है आपके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामसनी पंथ द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव रामसनी पंथ द्वारा मनाया जाता है, और ऑप्शन में आपको फूलडोल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। ध्यान रखना इसी दिन मारवाड़ में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है शीतलाष्टमी के दिन मारवाड़ में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए गुड़ला त्यौहार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैं आपको तिथियों के साथ मंथ बताऊंगा कि अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जनवरी, फरवरी, मार्च में कौन कौन सी तिथि होती है उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले तिथि स्टार्ट होती है चैत्र बैसाख से, तो चैत्र बैसाख में आपका
अप्रैल महीना काउंट होता है। उसके बाद बैसाख जेठ की बात करें तो इसमें आपका मई मंथ काउंट होता है। उसके बाद बात करें ज्येष्ठ आषाढ़ की तो ज्येष्ठ आषाढ़ में आपका जून मंथ लगता है। आषाढ़ श्रावण की बात करें तो आषाढ़ श्रावण में आपके जुलाई मंथ लगता है। श्रावण भाद्रपद की बात करें तो श्रावण भाद्रपद में आपका अगस्त महीना लगता है। भाद्रपद आश्विन की बात करें तो भाद्रपद आश्विन में आपका सितंबर महीना। नेक्स्ट डे आश्विन कार्तिक की बात करें तो आश्विन कार्तिक में आपके अक्टूबर मंथ लगता है। कार्तिक मार्क्सिस की बात करें तो कार्तिक मार्क्सिस में आपके नवंबर मंथ लगता है। और मार्क्सिस पोष की बात करें तो मार्क्सिस पोष में आपके दिसंबर मंथ लगते हैं। तो ये थे आपके राजस्थान के मेले और त्यौहारों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके राजस्थान के अलग अलग भर्तियों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि राजस्थान के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया। और ये टॉपिक आपके चाहे रीट मेंस हो, चाहे सीईटी 12th लेवल हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और डेली इसी तरह आपको टॉपिक वाइज राजस्थान जी के देखने को मिलेगी, जिसमें आज आपका पार्ट 4 था। 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।